आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में विधानसभा चुनाव 2022 में 1,25,000 नए मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। ₹25,000 की इनामी व लूट में वांछित एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरओ एआरओ के साथ की बैठक। आचार संहिता का पालन करवाने, वोटर आईडी कार्ड के वितरण पर की चर्चा। अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त 4 अभियुक्तों को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 700 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 3.5 किलोग्राम यूरिया, 16 किलोग्राम नौशादर किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम की कई महत्वपूर्ण बैठकें नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, जियो सर्वे 70 वार्डों में से 35 वार्डों में हुआ कंप्लीट। भौतिक सत्यापन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा नगर निगम। नगर निगम के 5 जोनों के वसूली की समीक्षा के दौरान रवि मौर्य को किया निलंबित। नामांतरण का चलेगा विशेष महाअभियान। जनवरी को आयोजित होने वाला विशेष लोक अदालत कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हुआ स्थगित। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। कड़ाके की ठंड में जो लोग भी करेंगे लापरवाही पड़ सकते हैं बीमार। जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता फिजिशियन एमडी मेडिसिन डॉक्टर बी के सुमन ने कहा, जितना हो सके अपने आप का करते रहें बचाव। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जनपद इकाई और महानगर इकाई ने मनाई महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि। उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, देश और सर्व समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप हमेशा करते रहे संघर्ष। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष ने किया स्वागत। कहा, दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है भाजपा, एक बार फिर प्रदेश में बनने जा रही है योगी सरकार। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 359 केंद्रों पर 39,206 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 18,961 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 18,346 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, इस महामारी से बचने का केवल कोविड टीकाकरण ही है उपाय। कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन, लगाए मास्क, करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 350 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में घटी एक्टिव केस की संख्या, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2,435। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और जनपद में अगले 4 दिनों में गरज के साथ वर्षा की है संभावना। ठंड रहेगी ज्यादा, सुबह और शाम रहेगा घना कोहरा। जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी।